नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। आरती कुशवाहा 28 साल की थी, कानपुर नगर के सैनपुरा पारा गांव में रहती थी। उन्हें ससुराल में दहेज के लिए परेशान किया जाता था। मांग थी 5 लाख रुपए। 3 अप्रैल को आरती की ससुराल में मौत हो गई। उनका शव पंखे में लटका मिला था। 27 मई 2014 को उनकी शादी लखनऊ में रहने वाली सुधीर मौर्य से हुई थी। उनका 2 साल का बेटा है। आरती के परिवार के मुताबिक शादी के 3-4 महीने के बाद ही ससुराल में दहेज के लिए परेशान करते थे। उन्हें मारा पीटा जाता था और शाम को सास ससुर देवर और पति इकट्ठे होते थे। आरती को घंटों खड़ा रखा जाता था। 5 लाख रुपए मांगे जाते थे। परिवार के बारे में भद्दी बातें कही जाती थी, गालियां दी जाती थी। दहेज की लालच में ससुराल वाले सुधीर की दूसरी शादी करवाना चाहते थे। दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो 17 अप्रैल 2019 को सुधीर आरती को मायके छोड़ गया। अविनाश कुमार आरती के भाई हैं, भारतीय नौसेना में काम करते हैं। हमने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि इस बार आरती को ससुराल नहीं भेजा। कुछ दिन बाद ससुराल से फोन आया, सुधीर ने हार्ट अटैक का बहाना कर आरती को घर बुलाया। 2 अप्रैल को आरती अपने माता पिता के साथ ससुराल पहुंची। ससुराल वालों ने कहा कि वो आरती को नहीं रख पाएंगे। इसके बाद आरती के माँ बाप को बंधक बना लिया, झगड़ा होने लगा। पुलिस आई, दोनों पक्षों को समझाया, लेकिन आरती के पिता के कहने के बाद भी मामला दर्ज नहीं किया गया। आरती के भाई के मुताबिक पुलिस ने कहा कि आरती को ससुराल में छोड़ दो, उसे कुछ नहीं होगा। पुलिस समझा बुझाकर चली गई। आरती के माँ बाप घर वापस लौट आए। 3 अप्रैल की सुबह आरती ने घर पर बात की, कहा कि अब वो पुलिस में शिकायत करेगी। दोपहर को आरती ने अपने चचेरे भाई के मोबाइल पर व्हाट्सएप वॉइस नोट भेजा, कहा कि उन्हें बहुत मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उनके सास ससुर और मौसेरे देवर और पति मारपीट कर रहे हैं। सास कह रही है कि इतना टॉर्चर करो कि पागल खाने पहुंच जाए। सास आरती को धमकी दे रही है कि उसके भाइयों को छेड़छाड़ के आरोप में फंसा देगी। वॉइस नोट में आरती ने अपने भाइयों से कहा कि उसे बचा ले। 3 अप्रैल की दोपहर को आरती की बॉडी पंखे से लटकी मिली। इस मामले की जांच कर रहे हैं। स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश की प्रत्येक पुलिस सेवा में अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच चल रही है। आरोपी पति और सास को 3 अप्रैल के घटना स्थल से ही गिरफ्तार कर लिया था। 7 दिन बाद ससुर ने सरेंडर कर दिया। दोनों देवर फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आरती के भाई का आरोप है कि पुलिस न्याय दिलाने में उनकी मदद नहीं कर रही है। उन्होंने इस मामले में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीजीपी और एसएसपी को भी पत्र लिखकर जल्दी से जल्दी न्याय की मांग की, लेकिन उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। ये डेवलपिंग स्टोरी है। मामले में कोई भी अपडेट आने पर हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें।